लगता तुम्हें जेलर साहब ने याद किया रही। जेलर साहब ने साहब को मुझसे क्या काम पड़ गया? हाँ ठीक है, आपने मुझे याद किया सर। हाँ, तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर आ गए। ये कह दिए कपड़े उतार दो और अपने कपड़े पहन लो। बहुत मेहरबानी साहब। जेल में रहकर तुम्हें यह महसूस तो हो गया होगा कि जेल की जिंदगी कितनी कठिन है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम इस तरफ का रुख नहीं करोगे और बाहर जाकर शराफत की जिंदगी गुजारोगे। एक बात कहूं साहब? कहो। ये आपकी माचिस है साहब, ये अपनी जगह पे खड़ी। ये तब तक अपनी जगह से नहीं हिल सकती जब तक कोई इसे हिलाएगा नहीं। इसी तरह से शरीफ तो मैं भी रहना चाहता हूं साहब, लेकिन दुनिया वाले नहीं रहने दे। मैं तो सोचता हूं कि कोई फड्डा ना, लेकिन जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और जब जालिम मजलूम को दबाता है तो कान बंद, आंखें बंद और जुबान बंद नहीं कर सकता। क्या कि फिर मुझे हाथ उठाना पड़ता है? और जानते हैं लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या? गुंडा। तो क्या ये खिताब सुनकर तुम खुश होते हो? अरे नहीं साहब, दिल तो बहुत रोता है, लेकिन मजबूरन आंसू पीने पड़ते हैं साहब। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय रे, मैं सच्चे जेल से छूट गए सजना। तू क्या कर रही है यार? देखते नहीं तेरा इंतजार। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं जितने दिन जेल में रहा तूने उतने दिन मेरा इंतजार किया। अरे तुझे तो नफरत है मेरी सूरत से। ये सोच के इसलिए नहीं मुलाकात को कि देखते ही दंगा फसाद कर देगा शुरू और तेरी कैद और बढ़ जाएगी। फिर भी मैं हर रोज आती रही हूँ। देख एक एक दिन गिनती रही हूँ तेरे इंतजार में। हाँ तो किसने कहा था दिन गिनने को? अरे तूने तो झूठे मुँह से एक बार भी नहीं कहा। ये कम बख्त दिन ही अपने बस में। ऐसा कर, अब इसे बस में कर ले। हाय रे, जिस दिन तूने दो बोल पढ़वा लिए ना उस दिन सब ठीक हो जाएगा। बोल कब पढ़वाएगा दो बोल सजना? और चल भाग चूड़ी बेच जा। अरे तेरी नजरों में जगती इसलिए नहीं कि मैं चूड़ी बेचने वाली हूँ, तो तू क्या जब टेलर से टांका फिट करवाएगा रे? वो जो कोई भी हो पर तू नहीं होगी। क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ? बुरी है या भली मेरे लिए नहीं है। अच्छा तेरे लिए मैंने सारी जिंदगी गवा दी और तेरे लाल साहब के मजाज ही नहीं मिलते। क्या मैं तुझसे नहीं बोलती, नहीं बोलती, नहीं बोलती, नहीं बोलती। बड़ा एहसान करोगी मुझ पे, नहीं बोलती। आलू लो, मटर लो, मूलियां लो, पालक लो, गोभी लो, टमाटर लो। देर बदू तू रोज मुख सब्जी उठा के ले जाता है, लेकिन आज तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या बात है बुढ़िया, आज मुझे पैसे चाहिए, मैंने अपने यतीम पोते की फीस देनी है। तुम्हें पता है सारा जमाना जानता है, दुनिया वाले कमाते हैं और बदरू खाता है। मैं आज तुझे पैसे लेके रहूंगी। तेरी है हिम्मत? गरीब की मजबूरी भर जाए तो हिम्मत बन जाती है। ले फिर ये सब्जी किसके घर नहीं जाएगी? जेलर साहब कहते हैं शरीफ रहो। अरे कोई शरीफ रहने दे तब ना। दादी माँ की रेड़ी खाई और तो कम मर्दन की दिखाता है, मर्द का बच्चा तो उससे हाथ उठा। मुझे माफ कर दो। चल इन सब चीजों के पैसे दे, निराश है। अभी दे, अभी दे। इधर मर। तुम कब आए जेल से? आज ही आया हूँ दादी माँ। जुग जुग जियो। अरे दुआएं तो मेरी जिंदगी है दादी माँ, इन्हीं के सारे ही तो जिंदा हूँ। चल तेरी रेड़ी सीधी करो। अबे करेऊ यार, सुबह से कमबख्त मेरी आंख पता नहीं क्यों फड़के जा रही है। आज उस्ताद जरूर माल मिलने वाला है। अरे तेरा उस्ताद माल का भूखा नहीं है, दुआ कर से किसी का प्यार मिले। उस्ताद कमाल बेटे, बेटे
अच्छा हो गया तू आ गए। अब देख किसी के लड़ाई झगड़े में पांव मत पड़ाना। नहीं उस्ताद, तू बता तू कैसा है, माँ कैसी है और शकीला का क्या हाल है? सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ। मैं बड़ा परेशान था, ये वर्कशॉप के झगड़े का क्या बना? बेटे थोड़ा सा किराया बढ़ा और कुछ माल खर्चे पाने के लिए दिया और मियाँ साहब ने झगड़ा निपटा दिया। मियाँ साहब है बहुत अच्छे आदमी। अरे उस्ताद तू खुद अच्छा है ना, इसलिए तुझे सारी दुनिया अच्छी नजर आती है। वैसे अपनी आंख तो ये कहती है कि मियाँ साहब जो भी दिखाई देते हैं ना, वैसे अंदर से नहीं है। भाइयों मियाँ साहब गुस्ल फरमा रहे हैं, मैं अली आया। भाइयों मियाँ साहब ने कपड़े बदलने शुरू कर दिए हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मैं अली आया। मेरी प्यारी बहनों, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। खादिम कौम जनाब बंदा नवाज साहब आपके मसाइल पे गौर फरमा रहे हैं, अब वो आने ही वाले हैं। लीजिए वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लोगों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? जी मैं। अच्छा अच्छा भाई, जब मैं किसी गरीब को गले से लगाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आइए मेरे गले से लग जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई गरीब आदमी में भी क्या खुशबू ईमानी होती है। आपके लिए मैं ज़कात कमेटी से मिलके ज़कात का बंदोबस्त बहुत जल्दी कर दूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा आपके बच्चे के बच्चे ठीक है, बच्चों को दाखिला मिल जाएगा। मैं इस सिलसिले में डायरेक्टर तालीम से बजाते खुद मिलकर बात करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। अच्छा भैया और सुनाइए आप कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जनाब अली ये काम का क्या बना? आपका वो सुई गैस का मसाला तो हल हो जाएगा। भाई ये कौन सी बड़ी बात है? भाई ये वादा आपके इस खादिम का है, किसी सरकारी अफसर का नहीं है। हो जाएगा काम। भाई आप लोग इत्मीनान से अपने घरों को जाइए, मीठी नींद सोते रहिए। आप लोगों की खातिर मैं जो जाग रहा हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई रशीद भाई वहां क्यों बैठे? यहाँ रशीद लाइए ना, रशीद लाइए बैठिए ना। शुक्रिया। रशीद भाई बिलाखिर आपके लिए फाइनेंस कारपोरेशन में बंदा ढूंढी लिया मैंने। तो कर्जा मिल जाएगा मकान के लिए? हाँ जरूर मिल जाएगा। न सिर्फ कर्जा मिल जाएगा बल्कि इस महीने इंशाल्लाह आपका मकान शुरू। बस आप चुपके से 2000 का बंदोबस्त कर दें। वो तो मैंने कर लिया है मियां साहब। अच्छा ये लीजिए। नहीं ये अपने पास ही रखे आप। भाई देखिए ना, कहीं आप ये ना सोचे कि ये पैसे मैं अपने लिए ले रहा हूँ। आप यकीन करें रशीद भाई, किसी की एक पाई खाना मेरे लिए ऐसा है जैसे सुअर। लेकिन क्या करें साहब, बाज महकमों के ना अहल अहलकार कुछ नो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करते हैं। और साहब ये अलमिया एक ऐसा अलमिया है हमारे माशरे का कि जिसके सामने हमारी हुकूमत बेचारी भी बेबस। मैं समझता हूँ मियाँ साहब, मैं सब समझता हूँ। तो कब चले हम लोग? और मेरा ख्याल है कि कल सुबह ही सुबह चल के उस बंदे को पकड़ लेते। जजाक अल्लाह, मैं इजाजत चाहता हूँ। अच्छा सुने, वो ये पैसे कहीं आपके पास से खर्च ना हो जाए तो मैं रख लूँ? तो रख लीजिए आप। जी जी शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बंदा नवाज। क्या है नवाज जी? ये आप लोगों से इतना झुक के क्यों मिलते हैं? मैं इस मोहल्ले का खादिम हूँ और झुक के मिलना मेरा फर्ज है। लेकिन तूने क्यों पूछा? इसलिए कि चीता बाज और कमान भी ये तीनों झुक के ही वार करते हैं। डैडी डैडी जी, मेरी सहेली की सालगिरह है, मुझे 1000 रुपया दे दीजिए ना। कैसी है सहेली जी? बेटी हमारा मतलब है कि अगर सहेली गरीब है तो ये 1000 गया
और अगर सहेली है अमीर तो ये 1000-2000 होकर तुम्हारी सालगिरह पे गुवा भी आ जाएगा। और डैडी अमीर है मेरी सहेली। अच्छा अमीर है, बस तो फिर ठीक है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये पूरा 2000 ही इन्वेस्ट कर देते हैं तुम्हारी सालगिरह पे, इन चार होके आ जाएगा। थैंक यू डैडी। कोई बात नहीं, बंदा नवाज सारे पैसे दे दिए, मेरी तनख्वाह का क्या बनेगा? मैं देख नहीं रहा हालात किस तरह मकबूश है। दरबार अबे ये चूड़ी वाली नूरी क्या चीज है? नूरी अच्छा पीस है, उस वर्कशॉप वाले मुझे लौंडे पे मरती है, उस लतंगे कमाल पे। हाँ लेकिन मैं उसे घास वास नहीं डालता। चल ठीक है, तू चूड़ी वाले को घेर घार के यहाँ ले आ, अबे घास हम डाल देंगे। बनमानुस का बच्चा मुझे दल्ला समझता है, मिलाऊंगा तुझे अच्छी तरह चूड़ी वाले से, जो गंडा का लोमर ना होवे।
रास्ते में क्यों खड़ी है? हाय, तेरे दरवाजे पे तो नहीं खड़ी सजना। देख देख तूने फिर मुझे सजना का। अरे पुरानी आदत है ना, जाते जाते ही जाएगी। तू तो कहती थी तू मुझसे बात नहीं करेगी। तेरी तोता चश्मे से गुस्सा तो बहुत आता है, पर तेरी सूरत देख के मोम हो जाती हूँ। चल चल फोट यहाँ से, किसी और को नहीं बोल सकती। अरे तुझे कह दिया तो कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी हो गई? बोलती बहुत है, चलो बोलती बहुत है। बोल कब पढ़वाएगा तो बोल सजना। अरे सुबह उठ के कोई महल मांगे कोई मारे कोई हाथी मांगे कोई घोड़ा, मैं तो मांगू तेरा दीदार सजना। अच्छा चल फजूल बातें मैं कर, आज तो हाँ सुन के ही जाऊंगी। बॉस कब पढ़ाएगा तो बॉस सुन दे। सब कुछ चकला चूर कर दिया। ले उस्ताद जी मोटरसाइकिल दे आया उसकी। जी उस्ताद जी वो चेक भी करवा दी थी मैंने। उस्ताद उस्ताद मेरा कख भी नहीं रहा उस्ताद, इसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्या करने आया यहाँ? फरियाद लेके आई। चल चल भाग चल भाग यहाँ से। ठहर जा क्या बात है उस्ताद? इसने ना मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी। हाँ तो तू उस्ताद जी बेशर्मी की बातें करती है मेरे साथ। कौन सी मैंने बेशर्मी की बात की है, सिर्फ इतना ही कहा है ना। बोल कब पढ़ाएगा तो बोल सजना, तो ये क्या बेशर्मी की बात है? नहीं बोल बोल। अच्छा गुस्सा फूक और ये ले पैसे। किस बात के पैसे? देख कमाल कुछ भी हो औरत की चूड़ियां नहीं टूटनी चाहिए। वाह वाह उस्ताद क्या बात की तूने, कसम से तू लड़की होता ना मैं तेरा मुंह चूम लेती। वाकई तू उस्ताद है? उस्ताद नहीं 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 बस बस चल ले लिए ना पैसे, चल शक्ल घूम कर चल भाग चल। अरे पैसे का इतना ही गम है ना, ये ले तू ही रख चल। अरे मैं तो भूखी हूँ तेरे प्यार की। चुड़ैल कहीं की क्यों गालियां दे रहा उसे? देख कमाल मेरी एक बात पल्ले से बांध ले, तू कुछ भी कर ले कि तेरे साथ दो बोल पढ़ाकर तेरे बच्चों की माँ बने ही बने। चलो तू भी तरफदारी शुरू कर दे उसकी, वो तो आगे कम नहीं है। हाय बने अरे बत्ती सी नहीं लगवा के आया है जो दिखाया जा रहा है। बोल चूड़ियाँ पहनेगा? चढ़ाएगी चूड़ियाँ? अरे चूड़ी बेचने वाली हूँ, चूड़ियाँ नहीं चढ़ाऊंगी तो क्या तुझे फांसी चढ़ाऊंगी? एक बात सुनेगी? सुना कान में है? डर गई ना? अरे डरती तो तेरे बात से भी नहीं, ले सुना। अच्छा तो ये बात है, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे नाम का बिल्कुल पता न चले वरना मियां का हाथ बहुत भारी है। अरे तू फिक्र न कर, थाने में पर्चा हुआ तो तेरा नाम ही आने देगी नूर। तेरे बंदा नवाज को वो चूड़ियां चढ़ाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगा। चला मेरे साथ। अच्छा जानरे भी पिलाना। आ गया नवाज? जी बंदा नवाज। अबे अकेले ही आया है? अबे वो चूड़ी वाली का है? अरे वो बाहर खड़ी है। बात पक्की कर ली? बिल्कुल वो समझ गई है ना? अरे वो पहले से बहुत समझदार है। अच्छा अच्छा उसे अंदर भेज दे। और सुन यार बात सुन, अभी एक बात का ख्याल रखियो बाहर कोई देख ना रहा हो। अरे आप फिक्र ना करें, जो काम होगा ना बंद कमरे में होगा। शाबाश शाबाश अंदर भेज दे। और सुन यार ये ले जा, ये ले, ये तेरा इनाम। ये इनाम नहीं है बंदा नवाज। तो फिर और क्या मतलब भेज दे। Thank you.
कहने। अरे हराम की कमाई घर पे खूब लगाई, लेकिन वो ज्यादा अच्छा था। वो कौन? जहां कल गई थी। तू कल भी कहीं गई? देखो ना, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है। एक बुढ़ा मिला था, चूड़ी पहनाने के बहाने ले गया वो मुझे अपने घर। फिर क्या? फिर उसने अपनी नकली बत्ती से निकाल के रख दी मेज पर। फिर पता है बुढ़ा क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? कहने लगा, हाय जानू, तुम्हें बनाऊं दिल की रानी। अच्छा फिर मैंने पकड़ा उसका गिरेबान। अच्छा फिर अल्लाह दे और बंदा ले। फिर मैंने उसे अरे क्या कर रही है गुस्ताख लड़की? तेरे सर से सबका भूत उतारी। अरे बेशरम, किसी प्राई बेटी को घर बुला के उसकी आबरू रेसी करना चाहता है। अगर कोई तेरी बेटी के साथ ऐसे सलूक करे तो तू किसका बात करेगा? देखो देखो आपा आपा, ईमान से मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, किसी को बताना मैं। तो फिर वादा कर, तू भी नहीं बताएगा। अरे मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? सच कहता है? बिल्कुल सच। अरे ये क्या कर रही है? अरे घबरा नहीं, हाथ ला हाथ ला। तेरे मेरे बीच जो वादा हुआ है, ये जो चूड़ी है ना, ये उसका सबूत रही है। तुझे अपनी निशानी दी प्यारे। अरे हाँ, फिर कुछ याद आ गया? हाँ, अगर तूने फिर किसी लड़की को यहाँ बुलवाया तो तेरी खैर नहीं होगी बच्चू। तुझे तो लड़का बुलवा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? नवाज नवाज निवेश निवेश नवाज। जी बंदा नवाज, इतनी जल्दी चली गई? अबे तूने बात साफ साफ और पक्की कर ली थी ना? बिल्कुल साफ साफ और पक्की कर ली थी बंदा नवाज, बिल्कुल पक्की बात है ना? हराम खोर, निकाल मेरा फोन पे। लोग तो बयाना वापस नहीं करते, ये तो कमीशन थी बंदा नवाज। चल जी, मैं कहता हूँ निकाल मेरा 100 रुपया। वो तो मैं कल के लिए दे आया है। के बच्चे, निकाल मेरा 100 रुपया। हराम खोर, निकाल। अबे चल, बहुत अच्छा था। ये लीजिए, ये आपको कैसे पता चल गया बंदा नवाज? और शुक्र करें कि तकदीर ने आपको हराम कारी से और मुझे हराम खोरी से बचा लिया। अब सुन, वो तू बता रहा था कि ये लौंडिया उस पे वर्कशॉप वाले लौंडे पे को मरती है। ये तो सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये गाय उस खूंटे पे को नाचती है? तो और क्या, इस खुरली पे नाचेगी? तो मैं उस खूंटे को जल से उखाड़ के फेंक दूंगा और फिर वो गाय रस्सी समेत यहाँ होगी। ठीक है ना? लोगों, ये थप्पड़ों का एक्शन रिप्ले देखा आप लोगों ने? ये चौथा थप्पड़ एक ही सिचुएशन पर। अरे मैं एक एक थप्पड़ का बदला लूंगा। शकीला बेटी जी, तेरी माँ कहाँ गई? अब वो पड़ोस में। क्या देख के आई? पड़ोसियों के यहाँ तेल निकल आया क्या? अरे तेल ही निकल आया समझो, वो राजू है ना, उसका बेटा 3 साल के बाद दुबई से घर वापस आया है। पता है क्या क्या लाया है? रेडियो लाया है, फ्रिज लाया है, बहन के लिए इतने सारे जोड़े लाया है, माँ के लिए शाल लाया है, बाप के लिए कंबल लाया है। मुझे क्या सुना रही है? क्या मैं भी चला जाऊँ दुबई? तुम्हारे कान पे झूठ ही है कभी? बस आजकल तो घर घर यही चर्चा है, दुबई चलो दुबई चलो। तुम्हारी भी जवान बेटी है। अरे क्या ये तू सोच सकती थी कि ये बीए कर लेगी? बीस जिसने बीए करवाया है वो इसका घर भी बसा देगा। अब्बा जी, मैंने सोचा है कि मैं भी नौकरी कर लूं। किस लिए? कुछ तो मैं भी कमा लाऊंगी। शकीला बेटे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं बेटे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बेटी ऐसा चराग है जिसे दूसरे का घर रोशन करने के लिए जलाया जाता है। अपने सहारे जीना अच्छी बात है बेटा, लेकिन दुख तो इस बात का है कि उसकी जात पर किसी को तवक्कल ही नहीं रहा। वो
भूखा सुलाता नहीं बेटे, उठाता जरूर है। चल टिफिन में खाना डाल दे। किसके लिए? कमाल के लिए। लो वो फिर आ गया। तो और वो कहाँ जाए? देखो तुमने उसे पाल दिया, पोस दिया, काम सिखा दिया, अब जाए कहीं भी। देख भगवान, उसने तेरी कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मैं उसे अपना बेटा ही समझता हूँ। और फिर वो बेचारा बहुत दुखी है और उसे आज तक अपने बिछड़े भाई की कोई खबर नहीं। एक तू ही तो होश के हमदर, वरना उसे तो कोई मुंह भी नहीं लगा था। सलाम बाबा। आप लोग मुझे देख के मुंह क्यों फेर लेते? हम गरीब आदमी हैं। और मैं गुंडा। हेलो डार्लिंग। तुमने मुझे डार्लिंग कहा? कहा कुछ गलत कहा, और क्या कहूँ तुम्हें? अब मम्मी घर पर नहीं होते, डैडी को नौकरानी को डार्लिंग कहते हैं। अरे वाह मेरी जान, वेरी गुड वेरी गुड। लो जनाब फिर इसी बात पे आप खाइए एक चॉकलेट। लो खाओ। इसे भी अपने जैसा करना चाहते हो? खबरदार अंदाजे से कोई चीज दी। चलो। वाह मालिक, कैसी दुनिया बनाई है तुमने। वील इन्फॉर्म यू। थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। प्लीज। थैंक यू। ये एप्लीकेशन आपकी है? यस सर। मिस शकीला, पहले किन का किया आपने? नो सर। लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर आप ऑफिस का काम कैसे चलाएंगे? सर जिंदगी के हर शोबे में हर आदमी कभी ना कभी नया और ना तजर्बेकार होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी हर मुश्किल पर काबू पा लेता है और इसी को तजर्बा कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। हाँ सुना। हेलो मैनेजर, आप मिस शकीला का लेटर बना दें। मिस शकीला आप जाएं और अपना लेटर ले लें। थैंक यू सर। सलमा तुमने एक ना तजर्बा का लड़की को जॉब देने का फैसला कैसे कर लिया? यू नो फेस रीडिंग मेरी बचपन की हॉबी है। मैंने उसकी जुबान से दो जुमले सुने और उसका चेहरा देखते ही भांप लिया कि वो ऑफिस का काम बहुत जल्द पिकअप कर लेगी। और किसी को निकालने और रखने का हक तो मुझे भी है ना। आफ्टर ऑल मैं इस बिजनेस में 50-50 की पार्टनर हूं। पार्टनर नहीं मालिक हूं मैं तो एक लावारिस था। अगर सेठ साहब मुझे अपना बेटा बनाकर ना पालते तो। प्लीज पापा के एहसानों को धोया मत कीजिए। मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है कि मैं आप जैसे भाई की बहन हूँ। अच्छा भाई आई कैसे? आपसे 5,000 रुपए लेने। ये लो। आपने पूछा नहीं मुझे क्यों चाहिए? भाई पूछा वहां जाता है जहां इतबार ना हो, करेक्ट? थैंक यू भैया। शकीला, शकीला बेटे आती है, बैठो। तो ये गई कहां? वो इंटरव्यू देने गई है। चली गई? क्या बना तेरा इंटरव्यू? अभी मुझे नौकरी मिल गई। मैंने तुझे मना किया था लेकिन अभी मैंने सोचा कि वो सोचा अपने दिमाग से सोचा, ये नहीं सोचा कि मैं बुरा मानूंगा। शकीला मैं तेरा बाप हूं, कल तू मां बनेगी। आज तूने मेरी नहीं सुनी तो कल तेरा बच्चे भी तेरी नहीं सुनेंगे। अब्बू आपको मुझ पर भरोसा नहीं? कमल कीचड़ में भी रहकर अपनी पाकिस्त की बरकरार रखता है और अब्बू जिस दफ्तर में मुझे नौकरी मिली है ना
उसकी मालकिन मेरी ही जैसी एक लड़की है। तूने ये फैसला करके साबित कर दिया है बेटी, इस देश से मेरा दाना पानी उठ गया है। अब मैं दूसरे देश जाऊंगा और वहां से कमा के लाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि अगर इस दुनिया में लाने का सबब तुझे मैं बना हूं तो तेरी जरूरतें पूरी करना भी मेरा फर्ज है। कहां चले, कुछ खाओगी पियोगी नहीं? बेटी की नौकरी की खबर सुनकर जो आंसू आंखों में आए थे वो पी लिए, बस यही काफी है। सलाम पहलवान। वालेकुम अस्सलाम। ये लो पहलवान अपनी फीस, सिर्फ दो चार आदमी चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। किसी को बदल करवाना है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे किसी का फौज उठाना है क्या? अरे ये काम तो मोरे खुद भी कर सकती है, बस सिर्फ उठवाना है। किसको? अपने आप को। क्या मतलब तेरा? तो मेरा मतलब ये है, अरे मेरा एक सजना है, मेरी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता, बस उसके सामने एक जरा सा फिल्मी पार्ट करना है। अरे फिल्मी पार्ट? हाँ, वो आ रहा होगा, तेरे आदमी मुझे उठाने की कोशिश करेंगे, फिर वो मारा मारी फेंटा फाटी, फिर वो भाग जाएंगे, फिर मैं अपनी सजना से ये कबूल करवा लूंगी कि वो मेरी खातिर अपनी जान में भी खेल सकते हैं। ये हुई ना बात, अरे ये तो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। हाँ, ओए अति शेरे नटू, जाओ शहजादी के साथ, इसका काम पूरा करके आना। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। थक गई, अब आ भी जाओ ना। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है पहलवान को देने के लिए। जाओ जाके लड़ो ना। छोड़ मेरे वाल, आदमी 100 रुपए तेरे नहीं लड़ता है। थोड़ी ते बोल, जा जा, तेरा इससे कोई काम नहीं। हाँ तेरा तो काम हो गया। क्या मेरे अल्लाह, बात सजना, आज ते दिल खुश कर देता है, हुण मारा जाके लगे हैं। तैनू की होया, जाके लड़। मेरा गोबर खुल गया, मैं क्यों जाके? तो फिर जा जाके पट्टी करवा। अरे ते कम सुचल हो गया। तैनू की होया? सानू की होना, 100 रुपए वाले पहलवान आंदे हैं, असी तो चमचे सानू विचों 5-5 मिलने ने, इन्नी कोई मार खाने सी, रब राखा। तो फिर मैंने की होया? और फिरा कर मटक मटक के ससुरी किसी रोज ऐसी गायब होगी कि तेरी खबर नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहती हूँ परवा लेना। दो बोल बोल, कब पर भाई का तो बोल खतना। अच्छा हट, मैं तुझसे बात नहीं करनी चाहता, दो बोलों की बात कर रही है। कहो जो मुंडा है, खैर जा। चीचो ची
गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां ची चोली च गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां बोलती है क्या मर्जी ठीक नहीं ये खुद मर्जी ये तुरा के करता है क्यों सजना हेरा फेरियां ची चोली च तू आ गया। अरे क्या बताऊं उस्ताद, मैं तो फंस गया ईमान से। किसी मुकदमे में? अरे नहीं, वो चूड़ी बेचने वाली है ना। तो क्या हुआ उसे? वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई उस्ताद। अब बोल मैं क्या करूं? अबे फंस जा उसके साथ। उसके साथ फंस जाएगा तो मुकदमों से जान छूट जाएगी तेरी। वो कैसे? इस तरह हो जाएगी तेरी शादी। अच्छा, और शादी के बाद बड़े बड़े हाथ छूट जो है ना, यूं हाथ जोड़कर बात करने लगते। मैं वापस आ जाऊं तो पढ़वा दूंगा तेरे तो बोल। कहां जा रहा है तू? वह दुबई। क्यों? तो बेटे, शकीला बेटी ने नौकरी कर ली है और मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि उसे पहली के पहली तनख्वाह लाता देखूं। बहरहाल मैं जरा मियां साहब के पास हुआ हूं, ये मोटरसाइकिल ले। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए उस्ताद, बैठो, तुसी रखो। आज कैसे रास्ता भूल गए? जी रास्ता भूल कर तो लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं, मैं तो आपके पास आया हूँ। अच्छा हुकुम जी, मैं दुबई जा रहा हूँ। बस्तियां बेरौनक हुई जा रही है, घर मर्दों से सुने हुए जाते हैं, अब दूसरों की तरह तुम भी दुबई जा रहे हो। मियां जी, जिनके पास पैसा है वो उधर से इधर आते हैं और जिनके पास नहीं है इधर से उधर चले जाते हैं। दो वक्त की रोटी तो यहाँ भी मिल जाती है मियां जी, लेकिन मैंने सोचा कि बच्ची का जहेज वहां से कमा लाऊं, पता नहीं लड़के वाले क्या कुछ मांग बैठे। बच्ची बच्ची, अच्छा तो पीछे घर में कौन रहेगा? मुझे अपना कमाल है। कमाल? भाई देखो उस्ताद, कमाल वर्कशॉप तक तो ठीक है, लेकिन घर में, मेरा मतलब है जवान बच्ची है माशाल्लाह, तो भाई कमाल तो वैसे भी कालक है। कालक सही मियां जी, लेकिन बच्चे को नजर बद से बचाने के लिए कभी कभी उसके माथे पर खुद ही कालक लगानी पड़ जाती है। अब मैं तो आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि आप जरा पीछे ख्याल रखें। तुम फिक्र न करो उस्ताद, मैं तुम्हारे पीछे घर का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, बिल्कुल फिक्र न करो। और कमाल पे तो मैं खास नजर रखूंगा। सुई धागा रख दिया है ना बेटी? रखती है अभी। और वो कीकर की मिसवाक है? वो भी रखती है, क्या बहाने मिलती है। नई जगह होगी, जाते ही कहां ढूंढता फिरूंगा। तो आ गया कमल बेटे, मैं सोच रहा था कि मेरे जाने का वक्त हो गया, तू मुझे छोड़ने भी नहीं आया। वर्कशॉप की चाबी मुझे क्यों दे रहा है? किसी भरोसे के आदमी को दे जाना। क्यों? मैं जा रहा हूं। तू भी जा रहा है? जब जाने का वक्त आ ही गया है तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं। मैं तो इसलिए जा रहा था कि मेरे पीछे घर की वर्कशॉप की देखभाल करने वाला कोई मेरा अपना है। कौन समझता है मुझे अपना? तो खैर कौन समझता है तुम्हें? तुम्हारी बेटी ये मुझे भाई समझती तो नौकरी करती, और तुम मुझे अपना समझते तो मुझे छोड़ के चले जाते। मैं शौक से नहीं जा रहा बेटे, ये जिसे मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है आज अपने पैरों पर चलकर मेरा हाथ बताना चाहती है, और मेरी बीवी को यह एहसास है कि मैं यहां रहकर अपनी बेटी का जहेज नहीं बढ़ा सकता। तू जाना चाहता है ना, जा चला जा, मैं तेरा उस्ताद ही तो हूं, बाप तो नहीं कि तेरा रास्ता रोक लूं।
नहीं जाता ना। किसी को नौकरी छोड़ दे, मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो भैया, भैया इस मुल्क की लाखों औरतें नौकरी करती हैं, क्या वो अच्छी नहीं? आज जिंदगी की जरूरतें इतनी महंगी हो गई हैं कि जब तक सब मिलकर काम ना करें घर नहीं चलता। और मुझे तब तक काम करने दो जब तक मेरी अला को ठेस नहीं पहुंचती। जब देखूंगी नौकरी करने से मेरी खानदान की इज्जत जाती है तो मुझे तुम्हारी कसम भैया मैं नौकरी छोड़ दी हूँ। कमो बेटे बिस्तर उठा, वक्त हो गया है। अच्छा भगवान, अरे चाहती थी चला जाऊं यहाँ से, अब जाता देख भी नहीं सकती। अब बेटे रोक नहीं आंसुओं को, जब तुझे दुल्हन बना के रुखसत करूंगा तब तेरे ये काम आएंगे बेटे। Send us a reply at your earliest convenience. We'll be highly obliged. That's all. सुनिए, अगर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? पूछिए। आपके फादर क्या करते हैं? वर्कशॉप चलाते थे, अब दुबई गए हैं। आपको नौकरी करने की क्या मजबूरी है? सर, आप एक बिग शॉट हैं। मिडिल क्लास के घरों की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। इन घरों में बेटा एक एसेट और बेटी एक लायबिलिटी होती है। बेटा घर बसाता है तो कुछ लेकर आता है, और बेटी ससुराल जाती है तो कुछ लेकर जाती है। और एक दिन मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए मैं अपने बाप का हाथ बटाना चाहती हूँ। थैंक यू सर। सुनिए, अगर आप माइंड ना करें तो है आपको ड्रॉप कर दूं। चलिए, दो साथी जीवन के, दो साथी जीवन के, एक दूसरे का साथ निभाएं। जिस दिन पिछले मर जाएंगे। गाना सुनने की हद तक इसमें एक बारीक बात है, मैं गाने की बारीकियों को नहीं समझती। गाड़ी रोकी, मेरा घर आ गया। थैंक यू सर फॉर द लिफ्ट। नाम रात
मेरा हाथ में जलाओ डैडी, मेरा हाथ में जलाओ डैडी, मेरा हाथ में जलाओ। मजा देखा? अरे कम वक्तो, मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगी नमक हराम हो। जमाल तुझे तो बुखार हो रहा है। भैया मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। जमाल मैं तुझे यहाँ नहीं जाने दूंगा, चल यहाँ से कहीं भाग चले, चल। जी रोटी खानी है। ठीक है जा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, आपका पर्स गिर गया था। मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला बाबूजी, मैं भूखा हूं। बेटे तुम भूखा था, चची का सताया हुआ, बाइके बिछड़ा हुआ, तुझे पर्स मिला तो तुमने वापस क्यों कर दिया? रख लेते। मैं चोर नहीं हूं बाबूजी। शाबाश, मुझे इसी बात की खुशी है कि तुम चोर नहीं, तुम अच्छे बच्चे। बर्तन मांगना, कपड़े धोना, झाड़ू देना, मुझे सब आता है बाबू। मुझे मेरे भैया से मिला दे, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। सब ठीक है, सब ठीक है। बेगम, भाई बेटी की मां बनने के बाद तुझे इस बात का दुख था ना, ऑपरेशन के बाद तुम दोबारा मां नहीं बन सकते। ये देखो कुदरत का कमाल, अल्लाह ने घर बैठे हमें भेजा। बेटा? हाँ देखो भाई, इसकी ईमानदारी देखकर मैं बड़ा मुतासर हुआ और इसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, लिहाजा हमने इसे अपना बेटा बनाने का फैसला कर दिया। हमारा जो पिछड़ा हुआ भाई मिल गया ना, उसे भी हम अपने पास रख लेंगे, इस तरह हमारे दो बेटे हो जाएंगे। है ठीक है, अब तो खुश हो ना। बेगम इसके लिए खाने का कुछ इंतजाम कर, भूखा है बेचारा, एक गुड़िया इसके साथ खेलेगी, ये तुम्हारा भाई है। है ठीक है, जरा खाने का इंतजाम कर। तुम्हें खोकर बहुत कुछ मिला भाई, एक तुम ही नहीं मिले। भैया सल्लो, किसकी तस्वीर बन रही है? मेरी सेक्रेटरी की? भाई मैं भला उसकी तस्वीर क्यों बनाऊंगा? भाई चेहरा अच्छा है, और अच्छा चेहरा मुसब्बर की कमजोरी होता है। तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। फिर तो आप मेरी बात फौरन मान लेंगे। कैसी बात? मैं ये कहने आई थी कि आप उसे नौकरी से फौरन निकाल दें, मैं उसकी जगह अपनी एक सहेली को अकोमोडेट करना चाहती हूँ। जरूर करो लेकिन। लेकिन क्या भाई सल्लो, बिना वजह किसी को नौकरी से बाहर निकालना अच्छी बात नहीं। उसके जाने से जो जगह खाली होगी वो पूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खला तो नहीं रहेगा ना भैया। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या ठीक है भाई? ये जो तुमने अभी अभी कहा, पकड़ेगा ना?
क्या मतलब? मतलब ये कि कागज पर रंग जमाने का फन तो आपको आता है, लेकिन आपके चेहरे से आते जाते रंगों से मैं जान गई कि आपने उसे जगह दफ्तर में नहीं अपने दिल में दी है। चलिए बना डालिए उसे मेरी भाभी। भाभी? अजी हुजूर, दिन में आप बिजनेस, रात को ट्रेडिंग में मसरूफ रहते हैं। नौकर सोचा बोलो तो कुछ एक लागे पर लेक्चर देते हैं, अब मैं हंसू बोलू खेलू लड़ू तो किससे? घर में एक भाभी होगी तो जिंदगी में मजा आ जाएगा। कहिए मेरी तजवीज आपको मंजूर है? सोचूंगा। क्या सोचूंगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये लड़का कौन है आलिया? ये मेरा कजन है। पकड़ी जाए तो हर लड़की पास खड़े लड़के को कजन ही बताती। ये तुम्हारा कजन है तो तुम्हें यहाँ क्यों मिलने आता है? तुम्हारे घर क्यों नहीं आता? हम कहीं भी मिले तुम पूछने वाले कौन? मैं मोहल्लेदार हूँ इसका, आज पहली बार देख रहा हूँ इसलिए जुबान से समझा रहा हूँ। आइंदा अगर कभी इससे मिलने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो। तुम्हारे बाप के पास? नहीं। उसे भी तो पता चले उसकी बेटी जवान हो गई है, लड़कों को मिलने का टाइम देने लगी है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम्हारे बाप को जरूर बताऊंगा। तुम्हें तुम्हारी बहन शकीला की कसम, अब तो नहीं बताओगे? उठा गई ना मेरी कमजोरी से नाजायज फायदा। बोलो, अब तो नहीं बताओगे ना? इतनी बड़ी कसम देने के बाद चाहे जान चली जाए नहीं बताऊंगा, लेकिन अब सीधा घर चलना। चलो जाओ। क्या हुआ? ये आग बरसाता हुआ चेहरा, ये तपते हुए तेवर, खैर तो है? आपको क्या, आपने पाल रखे मोहल्ले में बड़े शौक से गुंडे। मसलन? मसलन वही बख्शा वाला कमीना हरामखोर कमाल। कमाल क्या किया उसने? हमेशा मुझे फटी फटी नजरों से देखता था, मैं बदनामी की तरह से चुप थी, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। मुझे देखकर ना सीटी में कोई गंदी सी धुन गाने लगा। अच्छा अच्छा, खैर तू अंदर जा बेटी, अंदर जा, शाबाश, जा मेरी बच्ची। नवाज, अबे ओ नवाज। जी बंदा नवाज, बुला ला उसे। अबे किस है? अरे वो वर्कशॉप वाले लंडे को। अबे नहीं उसे नहीं, कल बुला मोहल्ले वालों की मीटिंग, और हाँ उस्ताद की बीवी और उसकी बेटी को बुलाना मत भूलना। अबे मैं सारे मोहल्ले को बोल दूंगा उनके खिलाफ, इस मोहल्ले से जलील करके निकाल दूंगा उस गंदी नाली के कीड़े को। कभी ना हराम खो। हर वक्त मारता रहता है ये जो गंदा का लोमर। ले बेटा बंदा नवाज, अब तो तेरी आ गई शामत, तेरी खैर नहीं है। मेरे दोस्तों, इस मोहल्ले में मेरा किरदार एक खुली किताब की मानिंद है। यानी जब भी किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, मेरा दरवाजा पहले ही दस्तक से खुल गया। अगर आने वाला कोई हाजतमंद हुआ तो मैंने उसकी हाजत रफा कर दी। अगर किसी सरकारी महकमे में उसका कोई काम फंस गया तो मैं उठके उसके साथ चल पड़ा। यह मेरा किरदार है। तालियां। तो यहां आपको मैंने इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि मैं कोई खुदा ना खास्ता अपने एहसानात गिनवाऊं। यानी जो काम मैं करना चाहता हूं वो मैं अकेला भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज तमाम भाइयों का मशवरा दरकार है। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल है, ये बताएं कि अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता, मेरा मतलब कोई कुत्ता काटने का आदि हो जाए तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? इसे मार देना चाहिए या मोहल्ले से निकाल देना चाहिए? मैं नहीं जानता कि ये किस कुत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मोहल्ले में एक ऐसा कुत्ता जरूर होना चाहिए जो हमें भौंक भौंक के जगाए, ताकि हम चोरों के हाथों लुटने से बच सकें। नहीं 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 नहीं, कोई गुंडा, कोई चोर, कोई बदमाश इस मोहल्ले में बाहर से आने की जुरत नहीं कर सकता। यानी गुंडा इस मोहल्ले में मौजूद है जिसे किसी की बहन बेटी की तमीज ही नहीं है। कल उस गुंडे ने मेरी बेटी पे आवाज़ें कसे,
गंदे गंदे काले जाए उसे देख के। लेकिन वो गुंडा बदमाश है कौन? अबे वो गुंडा बदमाश तू है। ये मेरे बारे में किसने कहा आपसे? मेरी बेटी ने। तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं तुम्हारे बाप को जरूर बताऊंगा। तुम्हें तुम्हारी बहन से किला की कसम। कमू कमू ये क्या कह रहा है? बोलो, अब तो नहीं बताओगे ना? इतनी बड़ी कसम देने के बाद चाहे जान चली जाए नहीं बताऊंगा। कहते क्यों नहीं भैया, चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं कि ये झूठ है? बोल दो भैया ये झूठ है। अरे ये क्या बोलेगा, सच के सामने झूठ की जबान नहीं खुला करती। इसने चुप रह के अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। अब मेरे दोस्त को ये बताओ इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। मेरी तो सुनो, क्या कसूर किया है मेरे सजना ने? इसने मोहल्ले की लड़की को छेड़ा है। अच्छा, अरे इसमें इसकी तौफीक होती तो मुझे न छेड़ता। अरे ये तो कोरा कागज है, इसकी जिंदगी आईने की तरह बेदाग है। पर ये कहा किसने है? मियां साहब ने। ओह भाई नूरी सुन जा, चली जा यहाँ से। भाई यहाँ मर्दाना बातें हो रही है। अरे मर्दाना बातें तो मत करते हैं, मेरे जूते भूल गया घर से। क्या बोलती हो? तो ये फरमाता है, क्या तूने मुझे घर नहीं बुलाया? क्या मैंने तुझे जूते नहीं मारे? भाइयों ये अपने यार को बचाने के लिए उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है। हाय, अरे ये इल्जाम है तो बाजू नंगा करके दिखा लोगों को। अगर इस पे मेरी चूड़ी का निशान नहीं है तो सारे जूते मेरे सजा। अगर निशान है तो ये माला छोड़ के जाएगा तू। दिखा बाजू। देखो देखो ईमान से कोई निशान है? अरे ये बाजू नहीं, ये दिखा। देखो भाइयों अपने आंखों से देखो। हज वाले दिन शैतान पर नहीं पड़ते जितने आपके और मुझ पर पड़ गए। क्यों आई है यहाँ? एक बात पूछने। पूछ, जल्दी पूछ और जा। वो मियाँ तुझ पे इतने इल्जाम लगा रहा था तो आगे कुछ बोला ही नहीं? उसकी बेटी ने मुझे शकीला की कसम दी थी कि किसी को कुछ ना बताना। अच्छा, तो वो शकीला तेरी सगी बहन लगती है क्या? मेरे उस्ताद की बेटी तो है ना, और उस्ताद से मेरा क्या नाता है ये तू नहीं जानती। तो सुनना चाहती है? हाँ। तो सुन नूरी, मेरा एक छोटा भाई था जमाल, हमारी चाची बड़ी जालिम थी। एक रोज उसने हम दोनों के हाथ चिमटे से जला दिए और हम घर से भाग गए। मेरे भाई को बहुत तेज बुखार था, मैं उसे बस में बिठा के उसके लिए पानी लेने गया। वापिस आया तो बस जा चुकी थी और हम दोनों बिछड़ गए। कटकर खाना अच्छा, अगर कम हुआ तो होटल से और मंगा देंगे। वो इसलिए कि जेब पैसे से, दिल ईमान से और मकान मकीन से खाली नहीं होना चाहिए, और जिंदगी का यही फलसफा है। चलो बिस्मिल्लाह करो। अबे तू यहां खड़ा क्या सुन रहा है? सीआईडी में रिपोर्ट करेगा हमारी कि हमारे लुक में खेलेगा? मुझे काम चाहिए, मैं भूखा हूँ। तो मेरे बेटे इधर आना मेरे पास, यहाँ आके बैठ। मुझे काम मिल जाएगा ना? आप मुझे काम देंगे ना? देख बेटे, मैं काम दिया नहीं करता, काम सिखाया करता हूँ।
मेरा नाम है उस्ताद मेहरबान अली। दुनिया में देख, कोई पैसा बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, और मैं लोगों के फ्यूचर बनाता हूँ। आई एम दी मेजर मैकेनिक दर्जा अव्वल। ठीक, चल टूट पर खाने पे। चलो एक बिस्मिल्लाह करो। अगर उस दिन उस्ताद मुझे सहारा न देता तो आज मैं तेरे सामने जिंदा न खड़ा होता। अब तू ही बता, ऐसे उस्ताद को मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे तेरे इन्हीं गुणों की वजह से तो कहती हूँ, बोल कब पढ़ाएगा दो बोल सजना। आज बता दूं तुझे? बता देना। जिस दिन मुझे मेरा भाई मिल गया, तेरे हाथों पे मेहंदी रचा दूंगा। या अल्लाह, जल्दी से इसका भाई मिला दो ना। इंतजार नहीं कर सकती, आपने अब तक बात क्यों नहीं की? भाई कैसे करूं? कॉल ऑफिस जाएं और बेल देकर उसे बुलाएं। फिर क्या? वेरी सिंपल, उसे साफ साफ कह दें, बेबी आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल, ये मुझे नहीं होगा। नहीं हो सकता। नहीं होगा तो फिर मैं आपके बच्चों की आंटी कैसे बनूंगी? तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ पर छोड़िए, अपने नहीं आपके। भैया भाई, एक साफ सी बात है, मैं किसी लड़की से रोमांटिक बात करूं, मुझ में इतने गट्स नहीं। गट्स नहीं? सॉरी तो कल मुझे ऑफिस ले चलिए, मैं आपको क्यों दूंगी। क्यों? हाँ हाँ क्यों। तुम तो मुझे कल क्यों दोगी ना, एक क्यों मैं तुम्हें अभी देता हूँ। वो क्या? तुम बीबी एक शादी का दफ्तर खोल लो। क्या कह रहे हो भैया? आपने मुझे बुलाया सर? जी नहीं, जी हाँ, जी हाँ, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। क्या बात है सर, आप कुछ नर्वस हैं? हाँ मैं वाकई में कुछ नर्वस हूँ। क्या कोई काम बिगड़ गया सर? पता नहीं, बन जाए या बिगड़ जाए, वैसे बिगड़ने का ज्यादा चांस है। I just can't say। वो मुझसे किला मैं। जी, आपको मुझसे कुछ कहना है सर? कुछ कहना नहीं, पूछना है। पूछिए। अगर दिल की बात साफ साफ कह दी जाए तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है? जी जी नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है? जी नहीं। अपने क्या पूछो? ये पूछो, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जी हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात करते हुए आपने सोचा नहीं कि अगर आपकी कोई बहन होती और कोई लड़का उससे इस तरह डायरेक्ट बात करता तो आपके दिल पे क्या गुजरती? मैं यहाँ नौकरी करने आई थी, किसी से नाता जोड़ने नहीं। भैया वो माँ कहाँ है? माँ वो पड़ोसियों का लड़का छत से गिर गया था, उसे देखने गई है। तू घर से बाहर, मुझे वर्कशॉप पहुंचना है, और वो तेरी जलेबियां पड़ी हैं वो खा लेना। तो ये तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? भैया मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? देख शकीला, तूने मुझसे कहा था ना कि जिस दिन तेरी अनाथ को ठेस पहुंची, जिस दिन तूने ये महसूस किया कि इज्जत प्यार पाता है, तो नौकरी छोड़ देगी। हाँ कहा था। बोल फिर क्या हुआ, किसने क्या कहा है तुझे? देख शकीला, अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो आइंदा मुझे भाई न कहना। वो बात है ना भैया, उसने मुझे शादी का पैगाम दिया। क्या? उसने तुझे शादी का पैगाम दिया? उसकी ये हिम्मत?
कोई आदमी आपसे मिलने आया है। उसे कह दो सुबह दफ्तर में मुझसे आके मिल ले। नहीं, ये बात कल पे टलने वाली नहीं है। कौन हो तुम? ये पूछने के बजाय जो कहने आया हूँ वो सुनो। शकीला तुम्हारे दफ्तर में काम करती है ना? हाँ, मेरे दफ्तर में काम करती है। फिर उसे शादी का पैगाम तुमने दिया? हाँ। ये चिड़क कैसे की तुमने? क्या नाता है तुम्हारा उसके साथ? बहुत बेटी है मेरे उस्ताद की। अच्छा, वहाँ उस्ताद को बता दिया और आप यहाँ चले हमारा सिर फोड़ने के लिए। गुस्सा थूकी और देखिए, ये भैया है, ये मैं हूँ और ये घर है जिसमें आराम है, आसाइश है। शकीला को इस घर में भैया नहीं, मैं लाना चाहती हूँ। इस शादी की जल्दी मुझे इसलिए है, अगर ये शादी ना हुई तो भैया मेरी शादी कर देंगे और मैं शादी से पहले इस घर में भाभी को लाना चाहती हूँ। आपको मेरे भैया कबूल है? जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ कहिए, हाँ कहिए ना। इसका फैसला माँ करेगी। आप लोगों की नीयत नेक है इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप शकीला को इस घर में दुल्हन बना के लाना चाहते हैं तो माँ से बात कर लीजिए। क्या सोचने लगे, कहाँ पहुंच गए भैया? आदमी शरीफ लगता है। शरीफ लोग ना होते तो क्या मैं तुम्हें शादी का मशवरा देती? लीजिए, अब आपको झूठ की स्थिति तक बनानी नहीं पड़ेगी, बस हमारा मुंह मीठा करवा दीजिए। मुंह मीठा करने से पहले हमारी एक शर्त सुन लो। वो क्या? आपकी और हमारी हैसियतों में बहुत फर्क है और जहाँ हैसियतों में फर्क होता है वहाँ बहुत कुछ सोचा जाना चाहिए। हमें रिश्ते तो मंजूर है लेकिन शकीला का हक महर 2 लाख होगा। अरे आपने बहुत कम मांगा, ऐसी भाभी का मैं तो 2 करोड़ होना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप मेरे भैया का मुंह मीठा करवाएं और मैं अपनी भाभी का। लो जनाब, इतनी सी बात थी जिसको अफसाना बना दिया। बात तो होगी पक्की, अब मुंह मीठा करो। शर्माई हुई कितनी अच्छी लग रही हो, पर मुझसे क्यों शर्मा रही हो? अपने होने वाले से शर्माना। हाय अल्लाह, और शर्मा गई। चेहरे पे हयाओं का अजब रंग खिला है, अल्लाह करे तेरी हया और ज्यादा। और कैसा चल रहा है अब कारोबार? बस ये अल्लाह का करम है। लड़की का मुंह मैंने मीठा करवा दिया, अब आप दिन बता दीजिए। बेटी, शकीला के अब्बा यहाँ है नहीं। कहाँ है वो? दुबई गए। तो उन्हें जल्दी से बुला लीजिए। बस अब आप फिक्र ना करें। आप समझे नहीं, ऐसे मामले में फिक्र ना भी हो तो दिल में खलती जरूर होती है। नहीं, वो आने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। चलो भैया, आप चले, फिर आपके खाना भी नहीं खाओगे। चलो, तैयारी भी तो करनी है। अच्छा खाला जाए। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा खुदा। अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया, उस्ताद सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। हाँ बेटा, जिस बात की फिक्र उन्हें परदेश ले गई वो अल्लाह ताला ने घर बैठे बिठाए दूर कर दी। अब तू ऐसा कर, बहुत सारी जलेबियां लेकर ना सारे मोहल्ले में बांट। अरे जलेबियों का कह रही है माँ, मैं तो लड्डू बांटूंगा कल अपने हाथ से पूरे मोहल्ले में। ईमान से इधर आना, वहाँ खड़ी क्या शर्मा रही? शर्मा रही है माँ, शर्मा रही। शकीला मेरी बहन, तेरे नसीब कितने अच्छे हैं। नवाज, अब रहो नवाज। जी बंदा नवाज। कहाँ था? ऊपर। क्या कर रहा था? संबात ले रहा था। अबे तू संबात ले रहा था? हाजी मियां साहब, अब तो मैं सुबह उठ के बेटी भी लेता हूँ। क्या बंदा नवाज, अब हम चंगड़ मोहल्ले में नहीं रहते, गार्डन टाउन में रहते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग आके अपनी औकात भूल जाते हैं और हम
कुछ ज्यादा ही भूल गए। आपने मुझे क्यों याद किया यार नवाज? हम जब से यहाँ आए हैं ना कोई हमें मिलने आया। अजी मियाँ साहब, यहाँ कोई मर जाए तो लोग मरने पे नहीं आते। आप तो खैर से जिंदा है। बकवास बंद कर, अपना जरा बाहर निकल, लोगों में हमारी पब्लिसिटी कर, तो उन्हें बता हम क्या हैं। अजी मियाँ साहब, आप तो खैर से डेढ़ दो गज के होंगे, यहाँ तो हर शख्स 52 गजा है। मेरा तो ख्याल है कि आप यहाँ से छोड़ दें। तो फिर और क्या करें? बच्चों का स्कूल खोल ले। बच्चों का स्कूल? जी, जब शाहजहां का इख्तदार छीना था तो उसने बादशाह वक्त से दरखास्त की थी कि मुझे कैद में कम से कम कुछ बच्चों ही को पढ़ाने के लिए भेज दिया करें। तो बताए शाहजहां को क्या जवाब मिला था? क्यों? कि आपके जहन से अभी तक इख्तदार का नशा उतरा नहीं। लो बेटा, लो लो सब लो। अल्लाह मुबारक करे भाई, बड़ी खुशी की बात। बड़ी मेहरबानी जी, ले जी आप भी लें। अरे सजना, लड्डू बट रहे हैं, किस खुशी में? ले तू भी खा। क्या तेरी कमेटी निकली है? बननी हो गई। कर डाली? हाँ कर डाली। और मुझे कोई लड्डू खिलाए जा रहा है? मैं तेरी इस कतारी का कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर तू मर्द है ना, मर्द को औरत का दिल पैर तले मतलब कोई वह नहीं लगती। नूरी मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। बस सुना मुझे, तेरे ससुराल वाले ने सुन लिया तो मम्मी टूट जाएगी तेरी। बस तेरी मेरी यही तस्वीर। अब बात तो सुन मेरी। छोड़ मुझे, कसूर तेरा नहीं मेरे दिल का था, जिसे तूने अलग से तोड़ दिया। अब तू तो एकदम मेंटल केस। और बाबा मम्मी मेरी नहीं, मेरी बहन की हुई है, शकीला की। सच? यकीन नहीं आता तो घर जाके माँ से पूछ ले। क्या हुआ? हाय, होना क्या था, खुशी से ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। हाथ पांव भी जवाब दे गए मेरे। देख सजना, तूने मुझे मेंटल केस कहा ना, अब इस मेंटल केस को अपने अंग लगा के रखना, मेरी किसी और से नहीं मिलेगी। अपनी बहन के दो बोर्ड पढ़वा के दो बोर्ड मेरे साथ भी पढ़वा लेना सजना। अच्छा सुन। हाँ कुछ शक्को, ओ शक्को, अरे शक्को कहाँ गई? अंदर है बेटे। शक्को? अरे आ रही हूँ भैया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? शक्को शक्को शक्को। और शोर की बच्ची तेरी जलेबियां लाया हूँ खा ले। अरे याद नहीं भैया, कितने अच्छे हो तुम। अरे कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन अपनी प्यारी सी बहन की जलेबियां लानी तो नहीं भूल सकता ना। ये करिए, मुंह खोलो मुंह खोलो, अपने हाथ से खिलाऊंगा। तुम भी तो खाओ ना, ये लो। और उसका बाहर निकल आया। आओ भैया, ये जरा खतपुस कर देना। माँ ने कहा है। अरे माँ जी, आप इतनी मॉडर्न कब से हो गई कि खत लिखने की इजाजत दे दी आपने? अरे भैया ये खत अब्बा के नाम है। और जो जो अब्बा के नाम है, पकड़ लिखा गया है, मुझे भी तो बताओ कुछ। अरे ये क्या बताएगी, मुझसे सुन बेटा, मैंने तेरे अब्बा को लिखवाया है खत को तार समझते ही जैसे भी हो फौरन पाकिस्तान चले आए। बेटी की शादी का दिन मुकर्रर करना है, कुछ इंतजाम भी तो करना है ना। खत तो मैं डालूंगा माँ, लेकिन आप मुझे हुक्म देना। देखे माँ जी, शकीला की शादी का सारे इंतजाम मैं खुद करूँगा। तू तो हमारा इतना ख्याल रखता है कि शकीला का सगा भाई भी होता तो वो भी अच्छा लगता। ले आ, ठूसी जा, तू ठूसी जा। ठूसूंगी, जा तू खत पोस्ट कर। हाँ मैं जा रहा हूँ। भैया ये तुम्हारा खत। हाँ, मुझे किसने खत लिख दिया? ला, अरे ये तो उस्ताद का खत है। आपको ये जान के सदमा तो होगा, लेकिन रसाए इलाही के सामने कौन बोल सकता है।
गुज़श्ता जुमे उस्ताद मेहरबान अली का इंतकाल हो गया। दो रोज पहले दिल का दौरा पड़ा और होश में आने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फजलदीन तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, देख अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे कमाल को खत लिख देना कि मेरी बेटी को भाई बनकर नहीं बाप बनकर क्या। तेरे अब्बा के दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, और तेरे जैन के लिए कितने परेशान थे, अल्लाह ने सब मुश्किलें आसान कर दी हैं। बस वो एक बार घर आ जाए ना तो मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, उनके बगैर घर तो क्या, सारा मोहल्ला भी सुना सुना लगता है। इन्हें ये बताने की हिम्मत कहां से लूं कि इस घर पे क्या कयामत टूट पड़ी है। काम बंद कर दो और तुम लोग जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। मरता है तो छुट्टी होती, आज एक बड़ा आदमी मर गया। तू रो रहा है, तेरा कौन मर गया रे? मेरा रहनुमा, मेरा सहारा, मेरा मौसम, मेरा उस्ताद मर गया नूरी। नहीं, 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 वो नहीं मर सकता, वो नहीं मर सकता। अच्छे लोगों के मरने का यकीन इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता मुझे, लेकिन ये सच है, ये सच है। शकीला की शादी सर पे आ गई है मेरी, लेकिन मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। तू वादा कर तुमने पता नहीं चलने देगी कि इस घर पे क्या कयामत टूट पड़ी है। तेरा हुक्म है तो मैं नहीं बताऊंगी सजना, मैं नहीं बताऊंगी। ये तूने अपने क्या हालत बना लिए? मुझसे हमदर्दी जिता के मेरी हिम्मत न घटा लो रही।
तू जानती है उस्ताद का साया सर पे नहीं और शकीला की शादी सर पे आ गई। अरे नेक काम कभी नहीं रुकता, वो तो हो जाएगी, पर तू इतना दिन रात काम करता है, कभी थोड़ा आराम तो कर लिया कर। इस दुनिया में अमीर आदमी को नरमदार गद्दे पे और गरीब को कब्र में ही आराम मिल सकता है। गरीब आदमी की भी क्या जिंदगी होती है। ये सारे पैसे कहाँ से लाया? मैं कहाँ से लाऊंगा माँ, उस्ताद ने भेजे हैं। देखो माँ, वो हमारा कितना ख्याल करते हैं। हाँ, वो हमसे रिश्ता सिर्फ पैसे के जोर पर रखना चाहते हैं। हमारा ख्याल होता तो खुद ना आते। बेटी की शादी सर पर आ गई है और उन्होंने पैसे भेज के फर्ज पूरा कर दिया। खत भी नहीं लिखा, कब आ रहे? नहीं, लिखा है, खत भी लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है, शकीला की माँ तुम मुझे बुरा भला तो कहती होगी, मगर मैं यहाँ लंबा कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया हूँ। मालिक सख्त है, छुट्टी नहीं देता। तुम शकीला की शादी करके उसे रुख्सत कर दो और मुझे खत लिख देना। शादी की तैयारी करो माँ, हम उन्हें साफ साफ बता देंगे कि बाबा नहीं आ सकते। वो शादी में नहीं आएंगे तो मैं अकेली बेटी को कैसे रुख्सत करूंगी? तू फिक्र क्यों करती है माँ, तेरा बोझ बांटने के लिए मैं जो तेरे साथ हूँ। कि मेरी बेटी को भाई बनकर नहीं, बाप बनकर प्यार। ये बोझ भी हल्का हुआ। हाँ बेटा, अपने उस्ताद को खत लिखते हैं, बेटी ससुराल चली गई मगर वो नहीं आया। किसी खत लिखू माँ, मैं हूं, हमारा कौन है? यस, नाम की बहन बोल रही हूँ। वो हफ्ते तक ऑफिस नहीं आएंगे जनाब, उनकी शादी हो गई है और मैंने उन्हें हनीमून मनाने में मदी भेज दिया है। देख सॉल के सा
शाम की चाय तो आप पी चुके होंगे। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, आप जा सकते हैं।
तो तुम यहाँ आओ। चलो अब हाथ छोड़ो, छोड़ो ना मेरा हाथ। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। जब हमारे गुड्डू पप्पू मुन्ना मुन्नी चुन्ना चुन्नी हो जाएंगे तब तुम हमारी बात कर सकोगी। क्या सोच रही है मां? तेरे उस्ताद को गए कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। कम अपने उस्ताद को चिट्ठी लिखते, अब घर आ जाए। मालिक छुट्टी नहीं देता तो नौकरी छोड़ दे, हमें नहीं चाहिए पैसे। उस्ताद तुम्हें बहुत याद आते हैं? और तुम्हार के किसी हिस्से में भी पहुंच जाए, सुहाग के बगैर उसे घर कितना सूना लगता है तो ये भी नहीं समझेगा। मैं कल ही नूरी से बात करके तेरे उस्ताद के आते ही तेरी शादी कर दूंगी। नहीं माँ, अभी नहीं। अभी क्या है? तू तो जानती है माँ, मेरा एक भाई है। पहले दुआ मांग, मुझे मेरा भाई मिल जाए, फिर देखेंगे। आ गए भैया। हाँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी कहाँ है? कौन सी भाभी? आपकी कितनी बीवियां हैं? जिंदगी में एक ही भूल हुई है। What? आप जीवन साथी को जिंदगी की भूल कह रहे हैं? तुम नहीं समझोगी सल्लो, तुम समझ ही नहीं सकती। बीवी और तरबूज अंदर से क्या निकले ये कोई नहीं जानता। क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? मेहंदी का रंग कच्चा निकला सल्लो, मेरा उसका झगड़ा हो गया। आप मेरी भाभी से लड़ पड़े? आप बेवफा हैं और जाए हैं, आप मेरे भाई नहीं, चले गए यहाँ से। गेट आउट। सल्लू तू 12 साल से मेरी बहन है और वो औरत सिर्फ 8 दिन से मेरी बीवी है, तू उस औरत की साइड लेने लगी? इसलिए कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं औरत की तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हार गए ना शर्त, निकालिए 500 रुपए। कैसी शर्त भाभी? भाई सल्लो, मैंने इसके साथ ये शर्त लगाई थी कि बहन भाई से ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन इसने ये दावा किया कि नहीं, नन भावत से ज्यादा मोहब्बत करती है, लिहाजा मैं शर्त हार गया। अच्छा, तो ये नाटक था? यस। आइंदा से नाटक नहीं खेलना भैया। अगर आप आपस में रूठे तो मैं जिंदगी से रूठ जाऊंगी। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी माँ बड़ी महारानी बनी बैठी है जनाब, घर भी बड़ा पॉलिश हुआ हुआ। क्या बात है माजी, खैरियत तो है? ये इनकलाब कैसे आया? नूरी आई थी। क्या उसने आना जाना शुरू कर दिया? पता है आज उसने क्या कहा है? क्या कहा? घर का सारा काम काज खत्म करके अच्छा मेरे पास आके बैठ गई। कहने लगी माजी मेरा अल्टीमेटम सुन। हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने उसे अपनी बहू ना बनाया तो वो कुएं में कूद कर अपनी जान दे देगी। अरे तू बेफिक्र रह मां, कुआं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता क्या, कुएं का पानी भी तो उसके याया तक ही आएगा ना। वैसे वो है एकदम मेंटल केस। अब गई कहां है? वो अपनी शकीला के यहाँ। क्या? ओए, मगर तू किधर चला? ओ माजी, वो पागल लड़की, पता नहीं क्या बकबक करते वहां जाके। हां जाए थी बहाने से। ये तुमने मुझे क्या बना दिया? इस घर की खातून अव्वल है। ये खातून अव्वल क्या होता है? तुझे नहीं पता, तू चुप रह। और हाँ, बातें कम किया कर। ओ, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तो यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाने आई थी।
ये तो इन्होंने बना दिया। अच्छा तो तू इस पर टेलर थी ना जो मेकअप कराने बैठ गई? भैया खबरदार जो भाभी की शान में कोई गुस्ताखी की। क्या क्या किसकी भाभी कैसी भाभी? ए लड़के इसको बिगाड़ने की कोशिश मत कर, हम मामले की तरह तक पहुंच चुके हैं। नहीं जी नहीं, इसकी बातों में ना जी, तो झूठ बोलती है जी, झूठ। ए मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करता? नहीं जी नहीं नहीं बिल्कुल। अरे घूम गया ना जाली वाले लट्टू, जब मौलवी साहब तुझसे पूछेंगे कि नूरी तुझे पसंद है तब फिर भी तू बोलेगा नहीं? बोल कब पढ़ाएगा दो बोल सजना। Thank you.
मेरी अच्छी तरह तारीफ कर देना। कमाल है, नूरी का तो जवाब ही नहीं। देखो लड़के, तुम्हें नूरी से अच्छी और सच्ची लड़की नहीं मिल सकती। भैया अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भाभी है लाखों में एक। चल छोड़ फजूल बातें, तो ये बता तू यहाँ खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ भैया, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो वो बड़ी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छी है। कौन बड़ी बीवी? कौन? मैं पकड़ लूँ खुद। भैया खाली हाथ आ गए, वो मेरी जलेबियाँ। भाई माफ करना, पता क्या मैं घर गया ना तो माँ से सुना वो पगली नूरी इधर आई हुई है। मैंने सोचा तू गड़बड़ ना करते, उल्टी सीधी बात ना करते, जल्दी में तेरी जलेबी लानी भूल गया। फिर आऊंगा और अपने हाथ से तुझे जलेबी खिलाऊंगा। हाँ चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ भैया। वर्कशॉप वाला लफंगा इस घर से क्यों निकला? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से चूड़ी वाली निकली थी। अच्छा? हाँ, साड़ी पहनकर। साड़ी पहनकर? अबे कहीं दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? शादी तो हो गई। हो गई? हाँ, वो वर्कशॉप वाले की बहन से। शॉप वाले की बहन इस घर में? जी। बंदा नवाज, ये मुझे आपने किस खुशी में थप्पड़ मारा? अबे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मैं पूछूं या ना पूछूं, लेकिन खास खास खबरों का खुलासा सुनाना तेरा फर्ज है। मैं ऐसे ही बिल्कुल करता हूँ। पनीर सही कर देना। वालेकुम। साथ साहब को मियां साहब कहते। तशरीफ रखिए प्लीज। शुक्रिया। वो मैं आपका थोड़ा सा वक्त जाय करूंगा। फरमाइए। वो मैं कुछ रुपया बिजनेस में लगाना चाह रहा हूँ। यूं तो आजकल हर दूसरा आदमी तीसरे आदमी का गला काट रहा है, मगर आपकी ईमानदारी की शोहरत सुनी तो आपकी कंपनी के शेयर खरीदने चला आया। मियां साहब, आपने हमारी शोहरत तो जरूर सुनी है, लेकिन आपको कभी साबका नहीं पड़ा। क्या भरोसा है आपको कि हम आपसे ईमानदारी बरतेंगे? अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका बड़ा माकूल जवाब है। अच्छा, वो क्या? सात घर तो डायन भी छोड़ देती है, और फिर मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। आप हमारे पड़ोसी हैं? मैंने आपके पास में आया हूँ। इससे पहले एक मोहल्ले में रहता था। उस मोहल्ले को क्यों छोड़ा आपने? दरअसल बात यह है कि मेरा जाहिर और बातिन एक है, तो मैं अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग, अपने जैसे लोग देखना चाहता हूँ। उस मोहल्ले में लोग कुछ अच्छे नहीं थे। वहाँ एक वर्कशॉप वाला था, उसका एक शागिर्द था बदमाश, क्या नाम था उस कंबख्त का? हाँ, कमाल। तो उस बदमाश शागिर्द ने अपने उस्ताद की बेटी से नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर रखे थे। तो उस उस्ताद ने बदनामी के डर से मुल्क छोड़ दिया। अब सुनने में आया है कुछ दिन हुए उस बदमाश ने उस लड़के की शादी किसी बदनसीब से कर दी। जानते हैं आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। आप नहीं जानते, वो मेरी बीवी है। यानी आपकी बीवी? यानी कि कतई आपकी बीवी? भाई माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, यूं तो शरीफ आदमी कभी कभी पांव फिसलने से मोरी में तो गिर जाता है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अखलाकन मुझे ऐसी बात आपके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा, मैंने अनजाने में एक भयानक हकीकत आपके सामने बयान कर दी। मुझे माफ कीजिएगा, वैसे ये है हकीकत ही। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कहाँ गए?
छोटी पीपी तो गई बाजार, बेगम साहब अंदर बेडरूम में, उनके भाई आए हुए हैं। तुम्हारे हाथ से खाने का तो मजा ही कुछ और है। जब से तो यहाँ आई है मेरी तो दुनिया ही सुनी हो गई, ना घर में जी लगता है ना वर्कशॉप में। अरे तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें भूल गई हूँ, शोहर का प्यार भी मुझे तुम्हारी याद नहीं दिला सका। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ शकीला के किसी के साथ इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए, पता बाद में जी का रोग बन जाता है। अरे आप खाइए खाइए प्लीज, मैं बाहर बैठता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं, ये जलेबियाँ तो बड़ी स्पेशल है। स्पेशल चीज तो स्पेशल आदमी को खिलाई जाती है, मैं भला स्पेशल कहा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, सलमा कहाँ? वो जरा टेलर के पास गई है, मैंने उससे कह दिया था जल्दी आए, आज हम होटल में खाना खाएंगे, टेबल रिजर्व करा रखी है। तुम चली जाना और साथ ले जाना अपने भाईजान को। नहीं जी, मैं तो खाना माँ के साथ खाऊंगा, माँ ने अभी तक तो खाना नहीं खाया होगा। अरे आज अपनी बहन के साथ खा लीजिएगा, इत्तेफाक से मौका तो मिल ही गया आपको। नहीं साहब, कभी घर आएगी तो मौका मिल ही जाएगा, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थे जिमी। हंसे क्यों? जब तुम मुझे प्यार से जिमी कहती हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मुझे अफ्रीका के जंगलों से पकड़ ले आई और मैं तुम्हारे प्यार के पिंजरे में कैद हो चुका हूँ। हेलो एवरीबॉडी, देखिए मैं वक्त पर आ गई, अब जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो तुम इसे साथ ले जाओ। और आप? मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं, दफ्तर में जाने चाहे अला बला खा लेते हैं और खाकर कहते हैं मुझे भूख नहीं, ये क्या बात हुई, इन्हें भूख नहीं तो प्रोग्राम कैंसिल। नहीं भी नहीं, टेबल रिजर्व हुआ है, खाम खा पैसा बर्बाद होगा। चलिए भाभी हम चलते हैं, लेकिन अब चलिए ना, बहुत भूख लगी है। जी सलमा तो होटल खाना खाने गई है, आप 64067 पर रिंग करके उनसे बात कर। जी अच्छा, जब से तो यहाँ आई है मेरी तो दुनिया ही सुनी हो गई। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें भूल गई, अरे शोहर का प्यार भी मुझे तुम्हारी याद नहीं भुला सका। मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ शकीला के जिंदगी में किसी से इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए, पता है बाद में जी का रोग बन जाता है। हेलो हेलो, देखिए मैं शाजिया बोल रही हूँ, बहुत ट्राई की लेकिन नंबर नहीं मिला, शायद फोन खराब है, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज सलमा को कहें कि मुझे घर आके मिले। जी बेधड़कों को खाइए भाई साहब, आज हमने खिलाया है कल आप खिला दीजिएगा, बात खत्म। एक सेकेंड, सामने टेबल पे एनक वाली बैठी है ना, पर्ची उन्हें दे देना। ओहो यार क्या बकवास है, मैं इस हालत में इस वक्त किसान पर कैसे जा सकती हूँ? तू मेरे साथ जा रही है किसी बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी, वहां जाकर तेरे भाई को फोन कर देंगे, अगर उसमें की शादी ना होती तो मैं तुझे मजबूर ना करता। अरे अरे भाई रुको, पहले मैं अपने भैया को फोन कर लूँ,
वरना वो रात भर परेशान रहेंगे। तू रुक, मैं फोन कर चलती हूँ। हाँ कमाल, तो उस बदमाश शागिर्द ने अपने उस्ताद की बेटी से नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर रखे थे, तो उस उस्ताद ने बदनामी के डर से मुल्क छोड़ दिया। हेलो भैया, मैं सुल्लू बोल रही हूँ। मैं अभी शाहजे के साथ इसी वक्त इस्लामाबाद जा रही हूँ। शकीला कहाँ? मैंने उन्हें उनके भैया के साथ होटल में छोड़ दिया था और फारिग होकर वो आपके पास ड्रॉप कर देंगे। सही है भैया? अच्छा ठीक है। अखलाकन मुझे ऐसी बात आपके सामने नहीं कहनी चाहिए थी, माफ कीजिएगा, मैंने अनजाने में एक भयानक हकीकत आपके सामने बयान कर दी। अकेली पड़ी है, यानी कि ये हालत तो उन शोहरों की होनी चाहिए जिनकी बीवी अल्लाह के चली जाती है। खाना नहीं खाना आज? नहीं। दूध? नहीं। का बिल मुझे दिखाना, देखो क्यों इतना बिल आया, इतने बिल बड़े आ रहे हैं आजकल। प्यारी आलिया, आज रात को ये क्या बंदा नवाज जी, छोटी बीबी का सच है, वो लड़का बाहर खड़ा उसने मुझे दिया है, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर सच का जवाब लेकर ना है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाहर तो बाहर क्यों खड़ा? उसे इज्जत से अंदर लेकर ये है जी। क्यों बे, ये खत तूने दिया था? जी हाँ। कब से जानता हूँ मेरी बेटी को? जी बहुत दिनों से हमारी दोस्ती है, बहुत दिनों से दोस्ती है। आलिया, आलिया इधर आओ। कब से जानती हो? किसको? इसको। ये कौन है? पता नहीं कौन इतना कुंगा बनवाश है, मैं नहीं जानती इसे। हया, अबे तुझे मेरी पोजीशन का नहीं पता? पब्लिक में जो मेरा मुकाम है तू नहीं जानता? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नवाज के बंदा, नवाज पकड़ लीजिए। बेटी मैं पुलिस को टेलीफोन करके आ रही हूँ। पापा, पुलिस आई तो बदनामी हमारी होगी, इसे जाने दें। ठीक है नवाज। जी बंदा नवाज, पकड़ लीजिए, पकड़ पकड़। इसका मुंह काला करके इसको बाहर निकाल। चल बेटा, अब मुंह काला करवा अपना। पता है मेरी मासूम बेटी को बदनाम करता है तो बेटी, ये तुम्हारा खत है। आप अपना मुंह अपने हाथों से काला करेंगे या मैं अपने हाथों को तकलीफ दूं?
आप मेरी एक बात सुनेंगे? हाँ सुनाइए। आप इस तरह करें कि ये अरे बेटे, इससे बड़ी सिफारिश और क्या हो सकती है? अब तो आप मेरा मुंह काला करके जा सकते। मुंह तो मैं ऐसा काला करूंगा कि मियां साहब सारी जिंदगी याद रखेंगे। अरे शाबाश बेटे। गुस्सा अपनी जगह, नाश्ता अपनी जगह। चलो आओ नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी भूख क्यों मर गई है? मेरी तो भूख ही मरी है, लोगों की तो गैरत भी मर जाती है। क्या कहना चाहते हो? वही जो तुमने सुना है। इसका मतलब बाद में समझूंगी, चलो पहले नाश्ता करो। मैं बाहर कर लूंगा। और जो घर में बना है वो कोई और कर लेगा। कैसे हैं आप? बहुत बुरा जी। शकीला और तुम में कितनी मोहब्बत थी, लेकिन शादी करके मैं बन गया तुम दोनों के बीच खबाब में हड्डी। साहब उसे रुखसत करके हम रोए तो बहुत थे, लेकिन क्या करते, अब शादी तो करना ही थी उसकी। वो घर पे अकेली है, जाओ मिल लो उससे। नहीं आज तो मुझे जरा काम है, फिर कभी से। वो मुझसे रहती कितना दूर है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। के सामने जिसे सलील करवाया, जिसे मरवाया, जिसे पहचाने से इनकार कर दिया, अब किस लिए आई हो तुम? निकल जाओ, निकल जाओ। निकल के तो बाप के घर से आई हूँ। ये जेवर है, ये मैं हूँ। चलो चल के कहीं शादी कर ले, तेरा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शादी तुम जी लगदा। इतनी रात के इसके साथ कहाँ जा रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं तुमसे नहीं उससे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। रात के अंधेरे में घर से छुप के शादी करने वाली लड़कियाँ सुबह के उजाले में माँ बाप के चेहरों पर बदनामी का ताक बनकर चमकने लगती है। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। शट अप। खिलौनों से डरा रहा बच्चे। भाग के जाएगी, चल मेरी टोपी उठा, चल अपने भाग के पास, चल भाग रही थी घर से, चल। लो संभालो इसे, आज ही अपने यार के साथ भाग रही थी। क्या कह रहे हो? मुझे घुंटा बदमाश कहते थे ना। अरे आज अगर ये घुंटा ना होता तो सुबह के अखबार में तुम्हारी बदनामी की दास्तान पहले समय में छप जाती।
मुझे तुम्हारा अपना दामन पैदाग है जो इसे सजा देना चाहते हो। बेटियों के गले दबाने से इस दशा खाक में मिलती है। अपनी आबरू बचाना चाहते हो तो उस लड़के को बुलाओ और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। नवाज जी बंदा नवाज, उस लड़के को बुलाओ। क्या उसका मुंह काला करना है? नहीं, बेटी के हाथ पीले करने। पापा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी। कदी डालिंग ए, क्या समझते हो मुझे? क्या सलूक कर रहे हो मुझसे? ये किस बात की सजा है? क्या किया है मैंने? किया तो मैंने भी कुछ नहीं था, फिर किस बात की सजा मिली है मुझको? किस बात की गिरा दिल में बिठाए फिरते हो? न बोलते हो न बात करते हो, आखिर क्या क्या बता रहे हो? अरे धड़ी मां शत, गिन लो, पूरे 2 लाख है। उसने 2 लाख ही हक में बांधा था ना। इनका क्या करूं? घर ले जाओ। तुम उससे नाता तोड़ना चाहते हो? जिसकी चीज हो उसको वापस करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन मोहब्बत उसके साथ करती हो जो तुम्हें यहाँ आकर जलेबियाँ खिलाता है, जिसको होटल ले जाकर जिसके साथ तुम खाना खाती हो। वो मेरा भाई है। वो अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारा बाप बदनामी के खौफ से मुल्क छोड़ के ना चला जाता। बदनसीब औरत, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने मुझे अपना शौहर नहीं भड़वा बना दिया, वो तुम्हारा भाई नहीं यार है। और जो तुमने मेरे पहलू में गुजारी, इन 2 लाख को रातों की कीमत समझ लेना। निकल जाओ, निकल जाओ। शकीला बेटी, खैर तो है, कैसे आई? नोट कहाँ से लाई है? उन्होंने दिए हैं माँ। किस लिए? तुम लोगों ने निकाह नामे पे लिखवाया था ना कि जब वो नाता तोड़ेंगे तो 2 लाख देंगे। उन्होंने 2 लाख दे दिया है माँ। क्या कह रही है? तेरा जमाल से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं माँ, मैं जिसे अपना भाई समझती हूँ वो कहते हैं वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा यार है माँ, मेरा यार है। नहीं, नहीं शकीला, वो कहते हैं बदनामी के जैसे मेरा बाप वतन छोड़ के चला गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया माँ। मेरे अब्बा को बुलाओ, उनके सामने मेरे किरदार की गवाही दे सके, उन्हें बता सके कि मेरा बाप मेरे लिए जहर लेने गया था, मेरी बदनामी उसे मुझे वाली नहीं। सफाई पेश किए बगैर जान दे देगी तो लोग तेरे इस इल्जाम को तेरा एक बार जुर्म समझेंगे। बेटी पूरा वक्त पड़ा है तो इसे हिम्मत से काट, हिम्मत से खाली को आने दे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने घर की होगी, आप किसके लिए रातों को काम करता है? अरे पगली बहन, बड़े घर ब्याही गई है, ईद आ रही है, उसे देने के लिए कोई तोहफा भी तो बड़ा सा होना चाहिए ना। पर तू तो जानती है कि वर्कशॉप से इतने पैसे नहीं निकल सकते। तूने तो अपनी सारी जिंदगी गवा दी है बहन के नाम। हाँ? तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं। अरे काम अपने वक्त पे होता है नूरी, और वक्त से पहले कोई काम नहीं होता। और देखिए तू रातों को मटर गश्त किया कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुन लूं सुबह के अखबार में, पढ़ लूं कि तू पकड़ी गई 109 में।
अरे पकड़ी गई तो तेरे इंतजार में पकड़ी जाऊंगी जालम। अब बात तूने फिर फेर दी। बोल कब पड़वाया कर दो। बोल की पापड़ वर्गा मुए तेरा, वो तू जाके खत्म जरूर पड़वाई। कुमार लड़की के छावा ये लो। बहन को ईद का तोहफा देने की फिक्र तो दूर हुई, अब यह है कि कल बाजार जाओ और मेरी बहन के लिए कुछ प्यारा सा तोहफा लेके आओ। तुमने पैसे फेंक दिए मां? हाँ, अब इनकी जरूरत नहीं रही। क्या कह रही है मां, तुझे इनकी जरूरत नहीं? अरे ये तो वो चीज है कि अगर उसकी राह में खर्च ना किया जाए तो वो भी नाराज हो जाता। देख कमाल, मेरा पासपोर्ट बनवा दे, जितनी जल्दी हो सके विदा लगवा दे। अरे माँ कहाँ जाएगी तू? तेरे उस्ताद के पास। हाँ, जो तेरा खत पढ़कर नहीं आया उसे लेने मैं जाऊंगी। बता कमो, कब बनेगा मेरा पासपोर्ट, कब भेजेगा मुझे अपने उस्ताद के पास? देख बेटा, जितनी जरूरत उनकी अब पहले कभी नहीं थी। हाँ कमो, तू चुप क्यों है बेटा? कमो तो रो रहा है। हाँ मां, आज मैं तेरे सामने रो पड़ा। पासपोर्ट बन सकता है मां, वीजा भी लग सकता है, लेकिन तू उस्ताद के पास कभी नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती बताना, क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि वो हमसे दूर, इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। मां उस्ताद मर चुका है, मैं मर चुका है। नहीं, नहीं, ये झूठ है, मेरा बाप हमें छोड़ के नहीं जा सकता। ये सच है शकीला, हमारा बाप मर गया है शकीला। तो जो मुझे खत पढ़कर सुना करा वो किसके बुजुर्गे? तू उनके नाम से जो मुझे पैसे देता रहा वो कहां से लाया था? गुंडे डाका मार के बदमाश चोरी करके। बता बता, मेरा जहाज जो मिट्टी में मिल चुका था तुमने तो छुपाया क्यों? क्यों छुपाया? हमें धोखा क्यों दिया? हमें धोखा क्यों दिया? बदमाश से गाने हमें दो तो छोड़िया 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 छोड़िया। इसे मारिए और मारिए। मेरे किस दूर से इस घर के छत को सहारा देना चाहा, इसने अपने आप को बेच के वो रिश्ते खरीदने चाहे जो इसके अपने नहीं थे। इसे और मारिए। इसने झूठ इसलिए बोला कि मां का दिल ना टूटे, भेड़ की टोली चली जाए। इसे इसलिए मारा कि ये मां देने के लायक है। इसकी जिंदगी आईने की तरह बेदाग है। ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीना नहीं, जीना नहीं, मार जाना चाहिए। मार तो हम गए हैं बेटी। शकीला पूजा कर घर आ गई है। इसके शौहर ने इल्जाम लगाया कि इसका इसके भाई तैयार आना है। इसका बाप प्रदेश से बदनामी की डर से जल्दी क्यों मर गए? मैं कैसे बुलाऊं? कैसे बुलाऊं कि आओ बेटी के किरदार की गवाही दो? इसका किरदार तुम्हारे कफन की तरह बेहतर है। क्यों करूं? इसके घर में रहने कार्ड से लाऊंगा।
इसके दामन पे लगे दाग को अपने खून से मिटाना पड़ा तो मैं मिटाऊंगा मां, और उस समीर सादे को बता दूंगा कि गरीब जिसे एक बार पहनता है उसकी खातिर जान भी दे सकता है। क्या है? 2 लाख। तुमने 2 लाख ही हक में लिखवाया था ना? हाँ साहब। मेरी इमारत आन शान पोजीशन देखकर नियत बदल गई है। कीमत बढ़ाना चाहते हो? नहीं साहब, शकीला के लिए इस घर की छत चाहिए। वो उसे जहां चाय मिल सकती है, मैंने उसे अपने पास रखकर देख लिया है। खूबसूरत है, जवान है, मर्द को फंसाने का गुर जानती है। ऐसा ना करिए साहब, उसे अपने कदमों में रहने की जगह दे दीजिए। चूसी हुई हड्डियां कूड़े के ढेर में फैली जाती हैं। तुम उसे मेरे दस्तरखान पे से जाना चाहते हो? उसको इल्जाम देके अपने गुनाहों में इजाफा ना करो साहब। उसे अपनी बीवी समझो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। निकल जाओ यहां से। क्या रहोगे आते? क्या मैं कहता हूं, निकल जाओ यहां से। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। लोग मुझे गुंडा कहते हैं। गुंडे गैरतमंद होते हैं। तुम गुंडे नहीं, जिसे बहन कहते हो उसके दलाल हो। नहीं! बातें मुझे मुतासिर नहीं करेंगी। चली जाओ यहां से। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। निशान तेरे हाथ पे कैसे आया? तू क्यों पूछता है? वैसे ही एक निशान से मेरे बचपन की चलती हुई याद वापसता है। मुंह क्यों फेर लिया? कोई नई चाल चलनी चाहते? हमें मारने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ रहे? मैं ये सोच रहा था कितना बदनसीब हूं, जिन हाथों से तुझे मिलने के लिए दुआएं मांगी वही हाथ तुझ पे उठा दिया।
तो। समझा तू भी नहीं और पहचाना मैंने भी नहीं। तू मेरा भाई है कमो। ये देख मुझे अपने सीने से लगा ले जिसमें एक भाई के खून की गर्मी है। नहीं खून तो उन तो खून को देख के तड़प उठता है। तूने मुझे गाली दी यकीन नहीं किया। मैंने जिसे बहन कहा वो मेरी बहन है। तूने मुझे उसका दलाल कहा। मुझे माफ कर दो। जो मनो मिट्टी के नीचे दफन है उस मां के सबके मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो इससे मांगो जिसकी तुमने इतनी तारीफ की कि कोई किसी बाजारी औरत की भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो शकीला। मुझे माफ कर दो। वादा करो जिंदगी में फिर कभी इल्जाम नहीं लगाओगे ना। क्योंकि मेरी गवाही देने के लिए अब मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं। वो मर चुका है। बोलो फिर कभी इल्जाम नहीं लगाओगे ना। शकीला कभी नहीं कभी नहीं। ये क्या लाजुक हो रहा है? ये घर में टियर गैस किसने फेंकी? क्या हुआ? कुछ नहीं सलो, एक तूफान आया था जो अब गुजर गया है। इसे पहचाना। क्यों? क्या इनकी शक्ल बदल गई है? नहीं, रिश्ता बदल गया था। जिसे हमने शकीला का भाई समझा वो मेरा ही बिछड़ा हुआ भाई निकला। भैया जमाल मेरे भाई। अरे चल इधर और अपने आंसुओं से साफ कर इन दागों को जो तूने मेरे सजना पे लगाए और यकीन दिला कि मेरी नंद बेदाग है। बोल। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी होती है मगर कमाल ने मेरी इज्जत बचा ली। मेरी कमजोरी ने जिसे गुंडे और बदमाश का नाम दिया सच्चा इंसान तो यही है। जमाल भैया मैंने जो कुछ कहा और तुमने जो कुछ सुना वो सब झूठ था गलत था। मुझे माफ कर दो बेटे। जय मियां साहब मैंने आपको माफ किया। अरे मेरी से भी तो माफी मांग। तू भी मुझे माफ कर दे बेटी। हैं बेटी? हाँ आज से हल्लर की मेरी बेटी है। अरे अगर बाप बना है ना तो अपनी बेटी का निकाह करवाने भी खुद ही आना। कब है तेरी शादी? अरे अब तो सभी पूछने लगे। बोल कब पढ़ाएगा तू? बोल सजना तुझे कितनी दफा कहा कम बात किया कर और ये सब क्या बोलेंगे? इन सबकी सरप्रस्त तो मैं हूँ और तेरी होगी शादी आज और अभी। आज दो भाई मिले हैं एक भाई दूसरे को सेवा बांध देगा और मैं तुझे दुल्हन बनाकर विकसित करूंगी। अरे तू कहां की सकने लगा? मैं वो माँ। अरे माँ मैं तो तुम्हें ही लेने जा रहा था। बेटा मैंने सब सुन लिया है। तू भाई के होते हुए फिर उनसे बनवाएगा मैं जरूर बांधूंगी बेटे। बोल अब तो पढ़वाएगा ना दो बोल सजना। अब सारे ही कह रहे हैं तो पढ़वाने ही पड़ेंगे दो बोल सजनी। <आगा। laughs>